हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला है कोलकाता बनाम बैंगलोर एंड ये खेला जाएगा ईडन गार्डन्स इन कोलकाता। ये है सेकंड गेम इन द राउंड ऑफ बिटवीन बोथ दीज टीम्स। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला स्पेशली फॉर बैंगलोर, क्योंकि यहाँ पे विन की बहुत बड़ी जरूरत इन्हें एंड मेरी विन प्रेडिक्शन उनकी तरफ। मुझे लगता है कि यहाँ पे दे विल कम अप ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड मे बी यहाँ पर एक जीत ले जा पाए। एंड मिनी डीएल ही खेलेगा क्योंकि जिस तरीके के गेम्स जा रहे स्मॉल लीग्स में प्रेडिक्शन करना मुश्किल। मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि जब 170-180 वाला गेम बनता है तो आप टीम आसानी से बैलेंस कर पाते हो, चाहे 6-7 विकेट भी क्यों ना गिर जाए। और जब 250-260 रेगुलर हो जाता है तो क्या होता है कि वहां पे विकेट्स भी गिर रहे हैं 7-8 एंड रन भी बन रहे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स विद 40-50 पॉइंट्स प्लस, तो वहां पे आपको रोटेशन करके मल्टीपल टीम्स बनानी ही पड़ेंगी। उसके अलावा इस वीडियो में भी गिव अवे है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द टैक्टिकल कॉर्नर। तो बात करें इस गेम की टैक्टिकल कॉर्नर की, तो यहाँ पे दोनों टीम्स ऑफ कोर्स पावर पैक्ड विद रियली गुड बैटिंग ऑप्शंस एंड आरसीबी के लिए हमको पता है कि देयर बॉलिंग विल बी अ बिग बिग कंसर्न एंड केकेआर की मिडिल ऑर्डर अच्छी खासी, स्पेशली अगर श्रेयस का फॉर्म वहां पे वापस आ जाता है। तो सिर्फ एक मुझे जो अपॉर्चुनिटी विंडो लग रही है फॉर आरसीबी वो ये है कि अगर नारायण को जल्दी आउट कर पाए एंड वो श्रेयस एंड वेंकी को एक्सपोज कर पाए जल्दी, तो वहां पे विकेट्स जा सकते हैं, एल्स वापस आप रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर आरसीबी। ऑफ कोर्स उनकी बैटिंग लाइनअप है फॉर्म में, बट उतनी ही खराब फॉर्म में उनकी बॉलिंग लाइनअप। इवन विद आरसीबी मिडिल ऑर्डर में थोड़े से बैटर्स हैं जैसे जैक्स ने पूरा फॉर्म दिखाया नहीं, मैक्सवेल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, नॉट टू सर्टेन, एंड वहां पे नारायण एंड चक्रवर्ती का रोल बिल्कुल भारी पड़ सकता है। तो डे गेम है, स्पिनर्स भी इफेक्ट में आ सकते हैं, उस बात का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। तो ये हुई टैक्टिकल कॉर्नर की बात। अब बात करते हैं गिव अवे की। इस गेम में गिव अवे होगा टू प्रिडिक्ट द बॉलिंग फिगर्स ऑफ विल जैक्स। तो जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए आपको क्या लगता है क्या फिगर्स होंगे एंड आंसर यही फॉर्मेट में करेगा। तो यूजर नेम जो भी है आपका ऑन MyMaster11 जो भी XYZ आपका यूजर नेम है एंड जो भी आपको लग रहा है विल जैक्स के फिगर्स होंगे अलॉन्ग विद जो भी सेक्शन आपको पसंद है इन द वीडियो। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी तारीफ सुननी है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग जब वही फॉर्मेट में आंसर करते हैं तो आपका आंसर स्पैम में चला जाएगा एंड मेरे तक वो आंसर पहुंचेगा नहीं। हेंस आपको जो भी पसंदीदा कमेंट करना है उसके बाद आप कर सकते हैं, बट इंश्योर कि वो फिगर्स के बाद आप कुछ वहां पे कमेंट बिल्कुल कर लीजिएगा। एंड एक जो कंडीशन है, जो भी यूजर्स एलिजिबल है इस गिव अवे के लिए दे मस्ट बी वाया आर रेफर कोड, जो FCP वाली रेफर कोड है उससे ही, नहीं तो मैं आप मेरे वॉलेट से आपके वॉलेट तक वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा ऑन MyMaster11। MyMaster11 ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कल के दो विनर्स को अब अनाउंस करेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दो यूजर्स है, सिड 4475 एंड डेथ विश 28। दोनों को 101 रियल कैश प्लस बोनस कैश मिल जाएगा। प्लीज इस पीरियड को एटलीस्ट 48 to 72 आवर्स दीजिएगा, स्पेशली अब पहले सेट ऑफ विनर्स है एंड अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो नंबर ऑफ विनर्स भी बढ़ाएंगे, अमाउंट पर यूजर भी बढ़ा देंगे। तो इंश्योर आप सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ऐप पे साइन अप करें एंड अगर नहीं किया अपने दोस्तों को भी कराइए। एंड जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपने मिस आउट कर लिया पहला गिव अवे, तो ऑफकोर्स वाइल बहुत सारे गिव अवेज यहाँ पे आते रहेंगे। याद रखिए कि आज सुपर संडे है, सुपर संडे को क्या होता है MyMaster11 पे डिपॉजिट ऑफर भी चलता है, तो वो लोग तो सबके लिए गिव अवे कर रहे हैं। तो इंश्योर आप जाके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए एंड ऑफ कोर्स फ्री कॉन्टेस्ट उनका खुलेगा इन द लेटर गेम ऑफ द डे, तो वहां पे आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा इफ यू नॉट साइंड अप ऑन Exchange 22, नो TDS एंड नो GST वाला एक लौता ऐप, तो अच्छा खासा मौका फॉर यू एंड बाय एंड सेल करके आप अपने प्लेयर्स खरीद सकते हैं। लीडर बोर्ड भी इनका करेंटली चल रहा है। Remember to join us at the Red Fantasy Cricket on Twitter and Telegram for the final teams and updates। हो सकता है इस गेम के लिए मैं फाइनल अपडेट नहीं दे पाऊँ क्योंकि एक फैमिली फंक्शन है कल, तो प्रॉब्ली उसमें बिजी रहूंगा। सेकंड गेम का प्रीव्यू तो डेफिनेटली नहीं आएगा। होपफुली कुछ टाइम मिले तो मैं दोनों टीम्स का प्रीव्यू यहाँ पे टेलीग्राम पे दे पाऊँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। क्लियर सनी वेदर एक्सपेक्टेड फॉर दिस गेम, सो नो कंसर्न ऑन दैट पॉइंट। एंड जो हमने देखा है यहाँ पे अच्छी बैटिंग कंडीशन, वाइल वर्ल्ड कप में थोड़ा स्पिन देखा था, यहाँ पे ज्यादातर अच्छी बैटिंग कंडीशंस देखने को मिली इन दी IPL। एक जो फैक्टर है डे गेम है तो स्पिन वहां पे इन द गेम आ सकता है। अब लाइनअप्स की बात की जाए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि RCB माइट ब्रिंग बैक मैक्सवेल क्योंकि डे गेम है, तो मे बी मैक्सवेल एंड जैक्स का रोल यहाँ पे बन सकता है। लास्ट गेम में बहुत क्लियर था कि वो एक बॉलिंग ऑप्शन शॉर्ट थे। विद KKR नीतीश राणा इज बैक, तो हो सकता है वो अंकुरिश के उस स्लॉट में आ जाए एंड मे बी सूर्य शर्मा डे गेम में यहाँ पे आ जाए। उसके अलावा काफी सिमिलर लाइनअप्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा। इन्वेस्टमेंट लीडरबोर्ड चल रहा है, डोंट मिस आउट ऑन माय मास्ट 11। चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर एंड वी स्टार्ट विद विराट कोहली, जिनके बहुत ही अच्छे खासे नंबर्स इस टीम के सामने आप देख सकते हैं। 38 की एवरेज एंड एट कोलकाता भी 39 की एवरेज, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक हो जाएंगे। एंड आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि लास्ट टाइम एट अ टफ पिच ऑन ईडन वर्सेस साउथ अफ्रीका इन्होंने वर्ल्ड कप क्या किया था, तो ऑफकोर्स वैसी कुछ ही हम उम्मीद यहाँ पे रख सकते हैं। फैफ डू प्लेसी वर्सेस केकेआर, 34 की एवरेज एंड एट कोलकाता। नंबर्स कुछ खास नहीं, बट ये ज्यादातर उस टाइम की बात है जब कोलकाता में वो स्लो एंड लो पिचेस होती थी। अगर लग रहा है कि कल स्पिन होगी तो फिर आप फैफ पे चांस ले सकते हैं, एल्स चांस मत लीजिएगा। रजत पाटीदार फाइनली थोड़ा बहुत फॉर्म दिख रहा है हमें इनसे, ये स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, ये बात इनके एडवांटेज में जा सकती है। डे गेम तो बिल्कुल जीएल में इन पे फोकस रखिएगा, स्मॉल लीग्स में लेना मुश्किल होगा क्योंकि ज्यादातर हम यही देख रहे हैं कि अच्छी बैटिंग पिचेस देखने को मिल रही है हमें, तो वील हैव टू कीप फोकस ऑन द की बैटर्स। विल जैक्स, इनका रोल बड़ा हो सकता है विद बैट एंड बॉल, थोड़े लेफ्ट हैंडर्स हैं इन द टॉप ऑर्डर, साथ साथ में विद द बैट बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते हैं लोग, सो लेट्स सी कैसे इनका रोल बनता है इस गेम में। ग्लेन मैक्सवेल अगर खेलता है तो ये भी टीम में आ जाएंगे, फॉर्म में नहीं है मैं जानता हूँ, बट इस काइंड ऑफ वेन्यू पे बिल्कुल अच्छी बैटिंग कंडीशंस में फॉर्म आ सकता है। एंड अगर स्पिन हुई तो स्पिन के साथ भी इनका रोल वहां पे बन सकता है। कैमरन ग्रीन मेरे हिसाब से अनलाइकली टू प्ले इन दिस वन। अनुज रावत भी इम्पैक्ट सभी आपके बेस टीम में तो आप नहीं ले पाओगे। दिनेश कार्तिक है, महिपाल लोमरोर है, ये सारे सेम कैटेगरी के प्लेयर्स आके गेम फिनिश करेंगे, बट कितना रोल निभा पाएंगे आपके लिए फैंटेसी वाइज वो एक कंसर्न रहेगा। पहले बैटिंग में आप महिपाल को कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो। दिनेश कार्तिक एक्स केकेआर कैप्टन, बहुत ही अच्छी फॉर्म में ऑफ लेट एंड डेफिनेटली अ प्लेयर वर्थ कंसिडरिंग फॉर यू, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपको विकेट कीपिंग वैल्यू भी देके जाएंगे पहले बैटिंग करते हुए, तो डेफिनेटली आप इन्हें ले सकते हैं। करण शर्मा लेगी है, अगर स्पिन के साइंस रहे ऑन द ट्रैक तो वहां पे इनका रोल बिल्कुल बन सकता है। रीस टॉपली ऑफ कोर्स नहीं खेले वर्सेस केकेआर और एट कोलकाता, एंड आई डोंट नो कि डे गेम में कितनी हेल्प मिलेगी इन्हें, फर्स्ट बॉलिंग में ले लेना क्योंकि डेथ बॉलिंग वैल्यू थोड़ी बहुत मिल सकती है, बट आई एम नॉट टू श्योर। मेरे हिसाब से लॉकी या टॉपली में से एक ही खेलेंगे। लॉकी का लास्ट गेम अच्छा गया तो पॉसिबल है कि लॉकी भी खेल सकते हैं स्लॉट में, लेट्स सी क्या होता है। सिराज का फॉर्म कुछ खास नहीं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस गेम में वापस आएंगे। रसेल को 2 बार आउट किया पहले एंड रसेल को क्वाइट भी रखा है विथ इज बैटिंग स्ट्राइक रेट, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रसेल के थ्रेट के कारण एंड क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस पेसर है इनके, मे बी वो एक गेम के ब्रेक के बाद यहाँ पे वापस आ जाए। यश दयाल भी कुछ पक्की बात है नहीं क्योंकि लास्ट गेम खेले नहीं, बट इस ओपोनेंट को बखूबी जानते हैं, लेट्स सी कि इस गेम में मौका मिलता है कि नहीं। नाउ वी गो टू द कोलकाता नाइट राइडर्स, टीम अच्छे फॉर्म में चल रही है वर्सेस आरसीबी। फिल सॉल्ट की 58 की एवरेज एंड एट कोलकाता 76 की एवरेज, बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स। एंड जिस तरीके की बैंगलोर की बॉलिंग का फॉर्म चल रहा है आप ज्यादातर कोलकाता बैटर्स पे चांस ले नहीं पाओगे। फिर है सुनील नारायण, यहाँ पे मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर दोनों में बैटिंग करते हैं वर्सेस आरसीबी कैसे ना कैसे रन बना ही लेते हैं हमेशा। एंड एट कोलकाता भी अच्छे खासे नंबर्स बेस टीम में रहेंगे, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस भी बिल्कुल होंगे एज फार एज डिफॉल्ट सीवीसी चॉइस है, बट मे बी आप चांस ले सकते हो इन पे क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे राइटीज हैं, तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्टेंसी पिक तो मैं नहीं कहूंगा। वेंकटेश अय्यर ओपनिंग बैटर है बट मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, अभी के लिए कुछ खास सीजन गया नहीं इनका, बट वर्सेस दिस टीम अच्छे नंबर्स है। लास्ट गेम भी इनका जो आरसीबी के सामने था वहीं पे रन आए थे 150 आई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड एट कोलकाता भी सिर्फ 17 की एवरेज। रमनदीप सिंह अच्छे प्लेयर हैं एंड कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो एंड ग्रैंड लीग स्पेशली इफ ही बैट्स फर्स्ट। नीतीश राणा टॉप क्वालिटी चॉइस इफ ही इज बैटिंग फर्स्ट, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं ये एंड अगर कोई भी साइंस हो टर्न की तो क्या पता कुछ ऑफ स्पिन भी डालने आ जाए। श्रेयस अय्यर इनका फॉर्म भी कुछ खास लगा नहीं है, 29 की एवरेज एंड एट कोलकाता भी 29 की एवरेज। अब डिफॉल्ट टीम में तो ज्यादातर लोग ही रहेंगे ये क्योंकि आई थिंक वन ऑफ टॉप क्वालिटी प्लेयर्स इन कंपैरिजन टू द अदर बैटर्स इन द लाइनअप, बट प्रॉब्लम क्या है कि सामने वाली टीम में ऐसा कोई खास स्पिनर पेसर फॉर्म में नहीं चल रहा, तो मे बी आपको बेस टीम में इस गेम में रखना ही पड़ेगा इवन दो फॉर्म इनके साथ रहनी है। रिंकू सिंह पहले बैटिंग करते हुए मैंने पहले भी विश्वास दिखाया, अब भी दिखाऊंगा कि हो सकता है कि आके अगर इन्हें अच्छे खासे डिलीवरीज मिल गए तो वापस आपके लिए इम्पैक्ट ये बना सकते हैं। एंड फाइनली आंड्रे रसेल पहले बॉलिंग करते हुए डेफिनेटली मेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस एंड बेस टीम में दोनों सिनेरियोज में। मिचेल स्टार्क फॉर्म दिखा नहीं है, बट सामने है फैफ एंड विराट, दोनों की है लेफ्ट आर्म पेस के सामने वीकनेस, वाइल विराट ने स्टार्क को काफी पीटा है इन the IPL, मुझे लगता है कि वो थ्रेट बिल्कुल बनाएगा because of the angle that he brings the ball at, but of course form ना इनके साथ रहा है ना matchups कुछ खास. हर्षित राणा एक मैच में 2 विकेट्स एंड एट कोलकाता 7 मैचेस 9 विकेट्स. पहले बॉलिंग करते हुए डेथ में आपको वैल्यू देंगे विद हिज चेंज अप्स, एल्स आप इग्नोर कर सकते हैं. सुयश शर्मा 2 मैचेस 5 विकेट्स इन्हें बनाया गया आरसीबी के सामने बॉलिंग करने के लिए, एंड सेकंड बॉलिंग करते हुए डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे, स्पेशली अगर हम टर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वरुण चक्रवर्ती भी मेरे हिसाब से सेम कैटेगरी के प्लेयर, सो डेफिनेटली इफ ही इज बॉलिंग सेकंड ही विल फाइंड अ प्लेस इन माय बेस टीम. तो ये रहे हमारे आज के की पिक्स एंड हमारे की कार्ड्स. अब चलते हैं मैचअप्स की तरफ. यहाँ पे फैफ वर्सेस नारायण 2 बार आउट हुए, 80 की स्ट्राइक रेट, स्पिन पिच पे डेफिनेटली आपको कंसिडर करना पड़ेगा. सेम फॉर विराट वर्सेस सुनील एंड फिल सॉल्ट वर्सेस रीस टॉपली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप, स्पेशली जो लोग को दिनेश कार्तिक को जीएल में लेना है वहां पे रीस टॉपली 3 बार आउट कर चुके हैं फिल सॉल्ट को. सो दिनेश कार्तिक बैट्स फर्स्ट एंड सेकंड बैटिंग में, याद रखिए यहाँ पे कुछ मूवमेंट भी होती है, तो फिल सॉल्ट सेकंड बैटिंग में जल्दी आउट हो सकते हैं. तो रीस टॉपली. विराट कोहली वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, स्पेशली अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं वरुण चक्रवर्ती, अंडर द सन स्पिन थोड़ी ज्यादा हो सकती है, 1 बार आउट कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं. तो ये रहे आज के की मैचअप्स. अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम. तो वी स्टार्ट विथ द कीपिंग सेक्शन. उसके पहले इंश्योर करें कि आप ये छोटे वाले कॉन्टेस्ट जो है बिल्कुल ज्वाइन करिए. मैंने भी हार्ट लगा हुआ है क्योंकि मैं भी ये कॉन्टेस्ट पूरी तरह ज्वाइन करता हूँ. अब बनाते हैं हमारी टीम. इन द कीपिंग सेक्शन फिल सॉल्ट डिफॉल्ट चॉइस. पहले बैटिंग करते हैं तो दिनेश कार्तिक को बिल्कुल कंसिडर करेगा. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सेकंड बैटिंग में मौका नहीं आ रहा, मैं ऐसा कहूंगा कि सेकंड बैटिंग में प्रेशर ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि अंडर दैट रन चेज एक आध गलत शॉट वो खेल ले वहां पे. एनीवे, कमिंग बैक टू द टीम, विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी एंड श्रेयस अय्यर ये होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स. रिंकू सिंह अगर पहले बैटिंग करते हैं मेरी टीम में जगह इन्हें मिल जाएगी. सुनील नारायण, एंड्रे रसेल, विल जैक्स ये होंगे मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स फ्रॉम दिस सेक्शन. ग्लेन मैक्सवेल अगर खेलते हैं तो टीम में आ जाएंगे. मिचेल स्टार्क होंगे मेरे बॉलिंग सेक्शन से स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक. एंड रीस टॉपली स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करते हैं, एल्स आप यहाँ से जा सकते हैं विद वरुण चक्रवर्ती. तो ये है मेरे 9 पिक्स जो डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे. अब आप बाकी 2 स्लॉट्स कैसे भरोगे? मेरे हिसाब से रिंकू सिंह इफ ही बैट्स फर्स्ट विल बी अ पिक वर्थ कंसिडरिंग. एंड उसके अलावा अगर नीतीश राणा खेलते हैं इस गेम में तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं. एल्स मुझे लग रहा है विथ आरसीबी वन बिटवीन मैक्सवेल, ग्रीन जो भी खेलता है, व्हाइल इफ लॉकी इज बॉलिंग फर्स्ट एंड ही प्लेइंग ही विल डेफिनेटली फाइंड अ प्लेस इन माय टीम. तो अभी के लिए ये बन रहा है बैलेंस ऑफ माय टीम. कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स की बात की जाए तो ऑन्ड्रे रसेल पर ज्यादा कन्विंस में हूँ इन दिस गेम, तो मैं जाऊंगा उनके साथ. एंड वाइस कैप्टनसी अगर आपको सेफ जाना है तो आप जा सकते हैं विद सुनील, अगर आपको थोड़ा सा रिस्की जाना है तो आप जा सकते हैं विद विल जैक्स और विराट कोहली. तो ये रही हमारी आज की टीम. आई होप आप सबको इस प्रीव्यू में मजा आया हो. एंड एक्सचेंज 22 पे के पिक्स करेंटली लाइव नहीं हुए, अगर हो जाते हैं मुझे समय मिलता है तो डेफिनेटली टेलीग्राम पे एक और अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा. डू रिमेंबर टू जॉइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिकेट ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स. एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलेगा. जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन.